ओके ओके हो गया, काफी खांसी है आपको। अभी तक सर्दियां शुरू भी नहीं हुई, आपको कैसे हो गई सर्दी खांसी? मेरे बेटे के कमरे की खिड़की टूटी है, मैं अखबार लगाकर हवा को अंदर आने से रोक तो नहीं सकती। इसलिए आप बीमार हो गई। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, ठीक है? पर ध्यान रखिए, ये दवाइयां थोड़ी स्ट्रांग होंगी। क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो आपका ख्याल रखने वाला है? मेरा कोई नहीं है, मेरे शौहर चल बसे और मैं अकेली हूँ। तुम दवाइयां लिख दो, मैं खा लूंगी। आपके बच्चे? नहीं बेटा, खुदा ने बच्चे भी नहीं दिए। ठीक है। चलिए आप मेरे साथ आइए, आइए आइए, मेरा हाथ पकड़िए। शाबाश। गेट वेल सून। मिस नुरगुल, प्लीज ये स्लिप लेकर इनकी मदद कर दीजिए और एक मरम्मत करने वाले को इनके घर भेज दीजिए। मरम्मत करने वाला? वो क्या होता है? मरम्मत? वो जो टूटी खिड़कियों को बनाता है, हमारे आसपास ही मिल जाएगा। उसे प्लीज इनके घर भेज दीजिए और बिल मेरे पास लाइएगा। शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हारी हर दुआ कबूल करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अपना एड्रेस बताइए प्लीज, बताइए। सोनकुल स्ट्रीट नंबर 19, हाल। हेलो डॉक्टर। हे, कैसे हो? रिसेप्शन पे लेडी नहीं थी तो मैं सीधा अंदर आ गया। तुम आग से खेल रहे हो दोस्त, तुम्हें मिस नुरगुल का गुस्सा नहीं पता? वो मुझ पर गुस्सा होने की वजह ढूंढते रहते हैं। मेरी आंटी कुछ बोल देती है और मोहल्ले की सारी औरतें मुझ पर गुस्सा करने लगती है। आंटी के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी आंटी को छोड़ो ना। तो तुमने क्या किया, अभी भी उस लड़की के पीछे हो? इमरे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कहा था उस रात के बारे में भूल जाओ। मैं उस बात को भूल चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया। मैंने तो अपनी आंटी की बात सुनी तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देना चाहिए। क्या बात सुनी उन्होंने? डॉक्टर, वो तुमसे नफरत करती है। तुम्हें वो वकील याद है जिसको हमने उस दिन देखा था? मेरे ख्याल से वो अब उसके साथ है। ओके, ऐसा करते हैं, तुम चले जाओ, हम किसी और दिन गराज चले जाएंगे। आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम है निपटाने, तो तुम अभी चले जाओ। डॉक्टर, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी बारे में सोच रहा हूँ। तुम जैसे हैंडसम इंसान को कोई भी लड़की... चले जाओ यहाँ से, चलो मैं बिजी हूँ, चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। हैव अ नाइस डे डॉक। तुम भी। ये ऐसा नहीं चल सकता, हरगिज नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। अब ये क्यों मुझे सारा दिन फोन करती रहती है?